बेटा एक्टिव नेक्स्ट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बेटा वैक्सीनेशन क्या होता है कि बॉडी में एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है ना, उसके लिए एक मेमोरी बन जाती है। माने बॉडी क्या करेगा, इसके लिए बॉडी क्या करेगा, बॉडी इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट इस जो इनएक्टिवेटेड टिकट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट माने इसके लिए, है ना, इसके लिए एक प्रोटीन या आप कह लीजिए पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन तैयार करें, राइट, तैयार करें, ठीक है। और यही तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन तैयार करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, एंटीबॉडी। कल मैंने आपको एंटीबॉडी के लिए
देखना कब है जब कोई एंटीजन आकर के अटैक करे, यानी कोई पैथोजन कोई रोग फैलाने वाला कोई है ना पैथोजन हमको अटैक करता है तो ये बॉडी हमारी जो है सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है भाई, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये क्या है, ये जो है इसमें क्या कराते हैं कि एंटीबॉडी बन जाए, ठीक है ना, एंड दैट एंटीबॉडी इज प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन द फ्यूचर। फ्यूचर यानी फ्यूचर में जैसे भी कोई इस टाइप का एंटीजन अटैक करेगा, ये समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा तुरंत ही, एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट के फंक्शन करने लगेगा। जैसे आप देख लीजिए जो कोरोना का वैक्सीन था, आप देखिए लगते ही सबको बुखार स्टार्ट होता था, दुनिया में है क्या एक्टिवेटेड या मरे हुए, ऐसा मरे हुए कोरोना वायरस देखा होगा है ना, तो इस तरह से उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है बॉडी, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये है यानी जो वैक्सीन्स हैं वैक्सीन्स दे आल्सो जनरेट द मेमोरी, ठीक है ना, जो वैक्सीन्स है वो मेमोरी जनरेट करते हैं, क्या जो बी सेल और टी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ओके दे रिकग्नाइज, ठीक है ना, वो क्या करते हैं रिकग्नाइज कर लेते हैं किसको, इन्फेक्शन को, यानी जब इन्फेक्शन होता है तो बी सेल और टी सेल्स क्या करते हैं पैथोजन को रिकग्नाइज कर लेते हैं क्विक एंड फास्ट, ठीक है ना, यानी जल्दी से वो जो है जो एंटीजन या पैथोजन जो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, ठीक, उसको क्या कर लेंगे रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, जो कि उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, राइट, ये बात समझ में आ गई बेटा, यानी बी और टी सेल्स क्या करते हैं रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, जो कि डेडली पैथोजन से, ठीक है ना, डेडली माइक्रोब से अफेक्ट हो जाता है सपोज, ठीक है ना, तो उसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम को है ना भाई जैसे टिटनेस ही है आप समझ लीजिए, है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है उसके अगेंस्ट, यानी वी नीड द डायरेक्टली इंजेक्ट, ठीक है, द परफॉर्म एंटीबॉडी, यानी ऐसे एंटीबॉडी की जरूरत है जो उसके अगेंस्ट काम कर सके, है ना, तो होता क्या है जो उसके अगेंस्ट, यानी उस जो टॉक्सिन है बेटा ना उसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा, जैसे किसी को सांप ही काट लेता है,
स्नेक बाइट में वेनम होता है, बोलो भाई। जो स्नेक का जो पॉइजन है, बोलो, जो स्नेक का पॉइजन है, स्नेक पॉइजन बेटा, स्नेक पॉइजन को क्या कहते हैं? स्नेक पॉइजन को वेनम कहते हैं, वेनम कहते हैं, ठीक है ना। तो जब स्नेक बाइट करता है तो ये टॉक्सिन, जो ये टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को छोड़ देता है, इंजेक्ट कर देता है, पहुँचा देता है शरीर में। तो इसके लिए एंटी टॉक्सिन यही तो एंटीटॉक्सिन, यानी ऐसा एंटीटॉक्सिन हमको चाहिए जो एंटीटॉक्सिन क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते, यही तो वह एंटीटॉक्सिन क्या करता है, ये जो टॉक्सिन जो वेनम में बैठा है इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, बोलो yes. है ना। तो स्लाइडिंग एसिडिटी जैसा होता है, जो पाइप होता है जहाँ तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बेसिक टाइप की दवा होती है, जो एंटीटॉक्सिन होती है जिसको एंटीडॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, यह एंटीटॉक्सिन जो होती है इसको एंटीडॉट कहा जाता है, एंटीडॉट, यह एंटीडॉट क्या करता है, इसको जाकर के वेनम को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर समय से आपको इसका एंटीडॉट मिल गया तो फिर आपको बच जाएगा, समझ में आ गया ना नहीं? Means that in injection which is given, okay, to the patho, to the patient, okay, containing perform the antibodies against the snake venom. आपके एनसीईआरटी में जो दिया है इसका डिस्क्रिप्शन ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी हम इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये क्या है? आप देखिए, हमने जो है जो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें, ये देखिए। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इम्यूनाइजेशन, इन द वैक्सीनेशन? हम तैयार करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए जरूरी है, राइट।
हिपेटाइटिस 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 बी, ठीक है ना। वैक्सीन फॉर पोलियो, राइट, पोलियो बेटा, पोलियो के लिए हिपेटाइटिस सी, ठीक है ना। इसके लिए कई वैक्सीन और इंसुलिन, इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन की, इंसुलिन, इंसुलिन जो कि इंसुलिन की डिमांड हमारे सोसाइटी में भारी मात्रा में है, सबको डायबिटिक है, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन, ओके, यानी मोस्टली में बेटा, मोस्टली, मोस्ट ऑफ पर्सन दे हैविंग दे सफरिंग दे सफरिंग ये सब देखता हूँ, ओके, फॉर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन, यानी डिजायर्ड जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं, ढेर सारा, ठीक है ना, इच्छा, हाँ, और उसी की हमको जरूरत है कि भाई अधिक से अधिक, यानी एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गेट हार्वेस्टिंग, फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से यह मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का जिससे हम बनाते हैं, तो वैक्सीन फॉर पोलियो, वैक्सीन फॉर वैक्सीनेशन फॉर द हेपेटाइटिस बी, तो इस तरीके से कई वैक्सीन हम बना लिए बायोटेक्नोलॉजी के।
और हम उसको वैक्सीनेशन में यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? यस सर। ये चीज़, यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में शॉर्ट में दे दिया बेटा, हमने आपको डिटेल में समझा दिया। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी माने आरडीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ द पैथोजन इन द बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है? वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल माने अधिक मात्रा में हमको जरूरत है ना, क्योंकि ढेर सारी जरूरत हमको, तो कह रहे हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ओके, एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, माने इम्यूनाइजेशन में हमको हेल्प करता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपके एनसीईआरटी में दिया, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था, इसको नोट कर लो पहले पर, कि हेपेटाइटिस बी, देखिए हमने यहाँ लिखा है कि हेपेटाइटिस बी फॉर बाय द ईस्ट, ईस्ट नोट कर लो बेटा, यानी ईस्ट से हम प्रिपेयर करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है ये लाइन, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम किसी नए स्थान पर, नए जगह पर जाते हैं, नए प्लेस पर, तो हमें अचानक छींक आने लगती है, स्नीजिंग, ओके, एनी अगर हम कहीं पर जाते हैं बेटा, न्यू प्लेस पर, कहाँ पर, न्यू प्लेस पर, तो वहाँ अचानक हमें स्नीजिंग, रनिंग नोज, ठीक है ना? तो हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एलर्जी की वजह से, ठीक है ना? तो ये आपको कोई डिजीज नहीं है, आपको जुकाम भी नहीं है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इट इज ड्यू टू द एलर्जी, ओके। अब एलर्जी किस किस से हो सकती है भाई? तो देखिए हम पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन से भी, डस्ट से ना बेटा, यस, बाय द पॉलन ग्रेन, ओके, बाय द पोल्यूटेड एयर, पॉलन ग्रेन, डस्ट, पोल्यूटेड एयर एंड और कोल्ड वाटर से भी, हाँ, सन से भी, सनलाइट से भी, देखो मेडिसिन, हाँ मेडिसिन, मेडिसिन, हाँ गुड, मेडिसिन से भी, तो हाँ बेटा, फ्लावर्स, फ्लावर्स, हाँ, तो ऊपर के लिए कॉलम के लिए फ्लावर, उसका कोई रीजन नहीं है। तो दीज आर ड्यू टू एलर्जी, राइट? यस सर। Some objects are sensitive to some particles in the environment, okay? The above mentioned reaction could be the because of allergy of pollen grains, okay, etc., which are different in the
different places, right? तो क्या एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, राइट? यानी कुछ ऐसे सर्टेन एंटीजन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, उसके आपके इसमें और एलर्जी और नहीं कुछ है, तो ये जान लीजिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसके लिए बेटा, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर ऑफ आईजीई टाइप। यस, यानी जो एंटीबॉडी आईजीई है ना, हाँ यस ये बता रहा है। एंड कॉमन आईजीई वहाँ देखो लिखा है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। Common examples of allergies are dust, pollen grains, ठीक है ना, etc. And symptoms of allergies reaction includes sneezing हो गया है ना, watery eye हो गया, आँख में पानी आ गया अचानक है ना बेटा, इसके लिए है, और running noise and difficulty in the breathing है ना, ये सारे symptoms हैं स्किन का भी ना। यस, तो ये है, ये सिम्टम्स हैं एलर्जी, ठीक है ना। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ द केमिकल्स लाइक हिस्टामाइंस एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। यस, मास्ट सेल्स, ठीक है ना। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विथ अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ द पॉसिबल एलर्जीज, ओके, एंड द रिएक्शन स्टडीज। वी यूज द ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइंस, करेगी हिस्टामाइंस तो एंटी हिस्टामाइन लेंगे उसके लिए है ना, यस, और एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, दे आर क्विकली रिड्यूस द सिम्पटम्स ऑफ एलर्जी। तो होता क्या है, जो सिम्पटम्स ऑफ एलर्जी है उनको क्विकली क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बस ये दिया है। तो ये तो लिख लीजिए, जैसे एंटी हिस्टामाइंस हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दिया इसमें, somehow the modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to the allergies. More and more children in the metro cities of India suffer from the allergy. कह रहा है कि जो metro cities हैं उसमें जो बच्चे हैं ना, बहुत easily आप जो है वो एलर्जी से बहुत affected हैं, क्योंकि है क्या, उनका immune system कमजोर है, ठीक है ना, और वो जो है environment के लिए sensitive हो जाते हैं, और sensitive हो जाते हैं जैसे धूप में गए, जैसे थोड़ा सा है ना polluted air मिला उनको तो start हो जाता है। कह रहे कि this could be बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। तो ये एलर्जी हो गया, हमने आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बता दिया, ठीक है। यस,
अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी पर। तो ये भी मेमोरी बेस्ड है, वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया इससे पहले, ठीक है। यानी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट्स, यानी हायर वर्टिब्रेट्स में बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो मैंने आपको बताया था कि बर्थ के बाद वो इम्यूनिटी हमें गेन होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो बता चुके हैं आपको। तो कह रहे हैं कि उसी में इवॉल्व हो जाता है, थोड़ा एडवांसमेंट उसमें हो गया, ठीक है ना। यानी वह भी मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड, हमने आपको पहले बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया उसको, बता दिया कि होता क्या है, जो वीकेंड और एक तरीके से डेड आप कह लीजिए, है ना, या इनएक्टिव कह लीजिए, इनएक्टिव एंटीजेंस दे बिकेम इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी फॉर रिकग्नाइजिंग बाय द टी सेल एंड बी सेल, बी सेल और टी सेल के द्वारा ये रिकग्नाइज कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, और बॉडी में एंटीबॉडी यानी प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है उसके अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन बनाने का काम करता है, यही तो है प्रोसेस। तो अब ये ऑटो इम्यूनिटी में कह रहा है कि भाई मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, यानी जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यानी पैथोजन को क्या करेगा, किल करेगा, है ना, कैसे, लेकिन अपने ही सेल्स से, जो बॉडी में हमारे अंदर जो इनसाइड जो सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनाइजेशन, वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो क्या करेंगे, उनको किल करने का काम करेंगे। व्हाइल वी हैव वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, ये कह रहा है ना, यानी टू कोलाबरेट्स ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू अंडरस्टूड, राइट, वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ओके। करें दूसरा क्या है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस, ठीक है, यानी कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी भाई ये जेनेटिकली है, भाई है भी वैसे भी बॉडी में जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, जो बॉडी सेल्स है ना बेटा ये एक्टिव होकर के ऑटो इम्यूनिटी का काम करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बनाते, ये हो जाए तो रियल में है क्या, क्योंकि ये बाई पर्सन है ना, बाई पर्सन के कारण मैंने आपको बताया था ना, ये लेट वाला बेटा इन लेट है ना, तो ये इन लेट जो है ये कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलता है ना, फ्रॉम पेरेंट्स से मिलता, तो पेरेंट्स से मिलता है, इसके माने ये क्या है, जेनेटिक है, ये जो है जेनेटिक है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज है इसमें। और क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं दिया बेटा, देख लेते हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन द डैमेज इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस, जैसे रिम्यूटाइड अर्थराइटिस दिया इसका एग्जाम्पल, रिम्यूटाइड अर्थराइटिस, ठीक है ना, यस, विच अफेक्ट द मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इन एन ऑटो इम्यून डिजीज, माने यह जो डिजीज है अच्छा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटो इम्यूनिटी का ये एग्जाम्पल है भाई, यस, कौन, रिमेटाइड अर्थराइटिस, जानते हैं आप लोग, जानते कि नहीं, किस डिजीज को जानते हो, रिमेटाइड अर्थराइटिस, रिमेटाइड अर्थराइटिस जानते हैं, सिकुड़ जाता है, रिमेटाइड बेटा,
तो घटिया उसको है, बात तो सही है, लेकिन ये कि ये रोज लगे तो दिखा भी जाएंगे और छोटे बच्चे को भी हो गया है। एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये एग्जांपल है बेटा, ये आ सकता है एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लिख लीजिए एग्जांपल ऑफ ऑटो, यस ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। नोट कर लो बेटा, ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Rheumatoid arthritis is the example of autoimmune disease. Right? इम्पॉर्टेंट है लिम्फॉइड ऑर्गन सर, है ना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है ना, टिश्यूज ना बेटा, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स माने क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। तो कौन कौन से, एंटीबॉडीज हो गए, सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ठीक है ना, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, राइट। तो इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस that in the recognized foreign antigens, okay, they are responsible these and resembles them. मतलब ये हो गया, कह रहे कि इम्यून सिस्टम, आप जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है इसमें जो एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडी हैं, है ना, ये और लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस
एंड आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी इतनी चीज़ों में, ऑटो इम्यून में, एलर्जी में और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किस किस चीज़ों के लिए, एक तो बेटा एलर्जी के लिए, ठीक है ना, यानी इसकी भी कोई दवा नहीं है, इसके करने का सेंस ये कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वही काम करेगा इससे एलर्जी की। हाँ, और दूसरा आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन उसमें भी अपनी यस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप है क्या, इसमें हम आपको बताए थे कि वो जो जैसे टिटनेस है ना, ये सब क्या है, दे आर पैसिव ना भाई, हम इसको फाइनली बाहर से इसको लेते हैं ना, ये हाँ। और ऑटो इम्यून जो डिजीज है बेटा, वो अंदर से, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल है, देखो उसकी कोई दवा नहीं डायरेक्ट, वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो है क्या, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, दे वेयर द ऑर्गन्स ऑन मैच्योरेशन द प्रोलिफरेशन और लिम्फोसाइट्स अकर, ठीक है ना। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, आप जानते ही हैं ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन, दो हैं, बोन मैरो हैं और थाइमस, थाइमस ग्लैंड है ना बेटा, बोन मैरो और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जी हाँ, ठीक है। तो दीज आर टू, कौन कौन से, बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर द इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, यानी जो हमारे इमैच्योर, ठीक है ना, जो हमारे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर के, ठीक है ना, मैच्योर सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या मतलब हो गया, यानी मैच्योर मैच्योर लिम्फोसाइट्स, मैच्योर प्रोड्यूस द इमैच्योर, यानी पहले इमैच्योर रिप्रेजेंट करता है ओके, और फिर वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है गिवन ओके जी सर। आफ्टर मैच्योरेशन कह रहा है कि आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यानी जो जब मैच्योर हो जाता है तो ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट मैंने कहा स्प्लीन वगैरह में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी ये माइग्रेट होकर के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कहाँ चला जाता है, जैसे कि स्प्लीन है, जैसे कि लिम्फ नोड है बेटा, टॉन्सिल है, ठीक है ना, यहाँ पहुँच जाता है, ठीक। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड्स द साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विथ द एंटीजन, यानी जो हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, यानी ये मैच्योर होकर के जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स है ये कहाँ पहुँच गया, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहुँच गया, देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहुँच गया, और उस ऑर्गन का नाम आपने क्या बताया, जैसे कि स्प्लीन नाम बताया, स्प्लीन, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि स्प्लीन में पहुँच गया, अब ये स्प्लीन में क्या है, कलेक्ट है वहाँ, वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, ये कलेक्ट हो गया जाकर, या आप जो
एंटीबॉडी क्लेंजर बने, ठीक है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, राइट। एनी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन, ओके, फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फॉइड विथ द एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम एफेक्टर सेल्स, ठीक है बेटा, ये हो गया। यानी द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शो इन द फिगर 8.5। एक फिगर है, देख लीजिए, इसमें दिया है, इसमें जैसे लिम्फ नोड है, थाइमस है ना, लिम्फैटिक वेसल्स हैं, तो कह रहे हैं कि ये ऑर्गन्स इसमें दिए हुए हैं। डायग्राम देख लेना बेटा, दिया है इसमें, ठीक है। है बुक है, देखो तो लिम्फैटिक वेसल्स बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और थाइमस ये हैं, ठीक है, देख लीजिए जरा यार, ये है देखो, ये सब चीज दिया, देख लीजिए पैरा डायग्राम दिया है, ठीक है। अब जो बोन मैरो है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है ना, यानी द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर आर द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, वहां से जितने भी ब्लड सेल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं वहां से प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से, ऐसा तो उसको मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स मानते हैं, ओके। थाइमस इज द लोड ऑर्गन, ठीक है ना, एक लोड ऑर्गन थाइमस है जो कि हार्ट के लिए होता है, हार्ट के पास होता है, ठीक है ना। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के टाइम में ये काफी बड़ा होता है बेटा, और धीरे धीरे इसकी साइज छोटी होती जाती है, इसकी थाइमस यानी थाइमस की साइज रिड्यूस कर जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे, ठीक है जी सर। थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्युरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स के मैच्युरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। यानी बोन मैरो और थाइमस दोनों हमें माइक्रो एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और मैच्युरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी लिम्फोसाइट्स वहाँ मच्योर होती है, मच्योर होना माने स्ट्रांग होना, माने एक्टिवेशन के लिए वो जो है मच्योर रहती है, मच्योर होती है, एक्टिवेशन के लिए तैयार। लाइक स्क्रीन इज ए लार्ज बीम शेप स्ट्रक्चर, ओके, ग्रेवियार्ड ऑफ इट इज मेनली कंटेन द लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, यानी फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में कंटेन होते हैं, इसमें रहते हैं, ठीक है। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या है, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर, यानी किसके लिम्फेटिक सिस्टम के पूरे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेटेड होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि जो लिम्फ नोड्स हैं दे सर्व ट्रैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी पूरे बॉडी में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, समझ रहे हो ना। अब जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको पकड़ लेते हैं, ट्रैप करने का, ट्रैप करना माने पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, ठीक है ना। यानी ये कह रहा है कि जो लिम्फ नोड्स हैं दे सर्व ट्रैक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस, यानी जो भी एंटीजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको पकड़।
लेते हैं, ट्रैक करने का काम करते हैं, राइट? एनी एंटीजन ट्रैक इन द लिम्फ नोड्स, ओके, आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। और जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी एंटीजन पकड़े ट्रैक किए, तुरंत ही क्या करते हैं वो, उसको सर्कुलेट करने का काम करते हैं। और जैसे ही पकड़े तुरंत सेंसरी नर्व्स मुहैया है, तो वो क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देती हैं। माने दैट रिजल्ट्स द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। एंड जो लिम्फोसाइट्स जो लिम्फोसाइटिक जो सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट हियर एंड हियर, दे आर दे बिकम एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड हो जाती है और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। देखिए मैंने लिखा है वहां पर एरोसिल, तो जैसे ही एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव कैसे होगी, एक्टिव कैसे होगी, जब वो ट्रैक करेगा तब, ठीक है ना, यानी उसके टच में आना चाहिए एंटीजन, समझ आया, यानी लिम्फोसाइट्स अटैक करेगा, प्रेजेंट देयर एंड काज द इम्यून रिस्पांस, ठीक है, यानी लिम्फोसाइट्स वहां प्रेजेंट है, उसका एक्टिवेशन होता है, वो इम्यून रिस्पांस को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, ठीक है बेटा। देयर इज ए क्वाइट टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक, यानी रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्यूब, यूरिनरी ट्रैक, यानी ये सारे ट्रैक्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दे कॉल्ड म्यूकस एसोसिएशन विद द क्वाइट टिश्यू, यानी ये वो एम ए एन टी मार्ड टिश्यू भी कहते हैं, समझ आ गया बेटा। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में नियर अबाउट 50% लिम्फॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका लिम्फॉइड सिस्टम या इम्यून सिस्टम, यानी हाउ डू द वर्क, किस तरीके से ये काम करता है, यानी जैसे कोई एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे बिकेम कॉन्टैक्ट विद द लिम्फॉइड नोड्स, ठीक है ना, और वो क्या करता है, फिर लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा इम्यून रिस्पांस फंक्शनेबल हो जाता है, ठीक, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको किल कर देगी। ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो हो गया सर, आगे।